अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के तहसील कार्यालय के बाहर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक मंडप लगा हुआ है जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी जो है वो यहाँ आंदोलन पर बैठे, धरने आंदोलन पर। अब क्या कुछ विषय है मैं इनसे बात करूँ, उससे पहले हम सभी जानते हैं इस समय महाराष्ट्र राज्य में भाजपा और शिवसेना समर्थित शिंदे सरकार है। उसके बावजूद ऐसी क्या नौबत आई कि बीजेपी के पदाधिकारियों को यहाँ धरना आंदोलन करना पड़ रहा है, और क्या ये अधिकारी इतने मुंहजोर हो चुके हैं कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी को भी धरना आंदोलन करना पड़ रहा है। तो बात करते हैं, यहाँ सर चिटनीस बाला सावंत जी है जो इस धरने को लीड कर रहे हैं और खास करके अपना धरना आंदोलन कर रहे हैं। आपको ये बता दूँ, ये धरना कल शुरू हुआ और इस धरने में बोईसर क्षेत्र के पूर्व विधायक भाजपा नेता विलास तरे भी आकर गए हैं और बाकी कई नेता आके गए। अभी भी कुछ पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सीधा बात करते हैं, बाला सावंत जी नमस्कार। नमस्कार सावंत जी, क्या विषय है आप ये धरना आंदोलन कर रहे हैं? कॉमन सर्वे नंबर A164, 165, 167, 168 ये जगह है, उसके बाजू में सरकार की जगह है 168। उसमें से जो अपना बिल्डर्स है, बिल्डर ने वहाँ से रास्ता निकाला है, वो रास्ता निकाला है, वो जो सरकारी जगह से रास्ता निकाला है और जो सरकार का परमिशन, विदाउट परमिशन वो रास्ता निकाला है और वो जगह यूज़ कर रहा है, उसका कोई यहाँ का जो सरकारी जो जिलाधिकारी है, पालघर जिलाधिकारी नहीं तो यहाँ का तहसील, ये लोगों ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और हमारा मांग है इसकी SIT मार्फत शासन चौकसी करे। ये सवाल जरूरी है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, आपने भारतीय जनता पार्टी का गमछा भी पहना हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के आप नेता होने के बावजूद आपको ऐसी क्या नौबत आई कि यहाँ धरना आंदोलन करना पड़ रहा है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही? यहाँ जो वहाँ पे जो बिल्डर्स लोग हैं, जो जिनका नाम है हरीश भानुशाली और पदम सिंह गजरा, ये दो जो बिल्डर्स है वहाँ के विकासक, उन्होंने वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बनाए, वहाँ जोन बनाने के बावजूद उन्होंने 168 जगह का पूरा गवर्नमेंट जगह है उसकी वापर किया है, वो जगह में से रास्ता वो लोगों ने निकाला है, उसके ऊपर हमारा एलिगेशन है कि वो शासन की जगह है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ का पालघर जिलाधिकारी, यहाँ की तहसील मैडम, ये लोग मैनेज हो चुके हैं ऐसा हमें लग रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे धरने पे बैठा है। यहाँ माजी आमदार विलास तरे साहब कल आए थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उनसे हमारा बात हो रहा है उधर, अभी देखता है क्या निर्णय आता है। वो समझो, आपकी बात मांग, आपकी जो मांग है वो मानी नहीं जाती तो आपका आंदोलन कहाँ जाएगा, क्या करने वाले आप? हमको विश्वास है, हमारा सरकार है, हमारी मांग पूरी हो जाएगी, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, पक्का कार्रवाई करेगी, ये हमारा विश्वास है। तो हम बात कर रहे थे आंदोलन के कर्ता धर्ता बाला सावंत जी से, इन्होंने जिस तरह से बताया, जैसा मैंने पहले कहा कि यहाँ के स्थानिक प्रशासन के आला अधिकारी इतने मुंहजोर हो चुके हैं कि रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है, यानी कि किस हद तक, किस लेवल तक यहाँ का जो पूरा प्रशासन है वो चरमरा गया है। अब देखना ये है कि रूलिंग पार्टी के इस आंदोलन का वाकई में कोई निष्कर्ष निकलता है या सिर्फ प्रशासन जैसे हर बार हर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कुछ न कुछ टालम टोल करता है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ टालम टोल देखने में आता है। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786